हेलो एवरीवन। कोई भी बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस है, बिजनेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस किया ही जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जब बिजनेस का मेन मोटो ही है तो हर एक बिजनेस में ये भी जानना जरूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है या बिजनेस लॉस में है, और साथ साथ बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, मतलब कि बिजनेस में क्या सारे एसेट्स हैं और बिजनेस पर क्या सारे लायबिलिटीज हैं जो कि बिजनेस को चुकाने हैं। तो ये सारा चीज कहां पता चल पाएगा? तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिससे कि इन सारी बातों का कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है या बिजनेस लॉस में है और बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, ये सारा कुछ पता चल जाता है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सारे बनाए जाते हैं? तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कि फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, फाइनल अकाउंट, इसमें दो अकाउंट बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनता है जिसे कि बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनल अकाउंट में क्या बनता है? तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलेगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस लॉस का पता चलेगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा? तो बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलेगा। और ये जो स्टेटमेंट है तीसरा बैलेंस शीट, इस स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा? तो इससे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति का पता चलेगा कि क्या वित्तीय स्थिति, मतलब कि बिजनेस के ऊपर में कितना लायबिलिटीज है, बिजनेस में क्या सारे एसेट्स हैं, ये सारा इस बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो भाई ये स्टेटमेंट है तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होगा। कोई भी स्टेटमेंट हो तो उसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है, जबकि ये अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इन सब में डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों ही होगा। तो अब इन ये जो अब मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज बनाए जाते हैं, जिसमें दो अकाउंट है और एक स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट है, और तीसरा स्टेटमेंट है जो कि बैलेंस शीट है। तो अब इसे हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे और उस पर कुछ एक सवाल बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझेंगे, उस पर कुछ एक सवाल बनाएंगे, और फाइनली बैलेंस शीट समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है, किस तरह का फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को। ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम। इसके डेबिट में सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक अगर है उसे दिखा दिया जाएगा, उसके बाद में परचेज है, जो गुड्स परचेज हुआ है बिजनेस में उसे दिखाया जाएगा इनर कॉलम में, और उससे अगर परचेज रिटर्न हुआ है, खरीदे हुए माल में से कुछ माल वापस किया गया है, तो उसे घटा दिया जाएगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे यहां दिखाएंगे, और अगर परचेज रिटर्न नहीं है तब सीधा ही परचेज को यहां पर दिखा देंगे। ठीक है, फिर इनर कॉलम में दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के उसे दिखाना है। तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट काफी बड़ा है, बहुत सारा है आइटम्स डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो इसे हमें समझना है। जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं,
जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस हैं, या जो गुड्स को खरीद कर मंगवाने में होने वाले एक्सपेंसेस हैं, वे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अब वो अलग अलग नाम से आइटम मिलेंगे, उसे हमें पहचानना है। तो क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, उन्हें दिखाना है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उन्हें दिखाना है। अब हमें पहचानना है भाई कि वो जो खर्च दिख रहा है, जो लिखा हुआ है सवाल में खर्च, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है या फैक्ट्री एक्सपेंसेस है या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है। अगर ऐसा लग रहा है तो उसे यहां से दिखाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, उसके अलावा कैरेज या कैरेज इनवर्ड, कैरेज या कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, ठीक है, इनवर्ड यहां पे लिख देते हैं, कैरेज बोला या कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। उसके अलावा फ्रेट, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा, ठीक है, डेबिट में। तो क्या बताया डेबिट में, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, और अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न को परचेज से घटा दिया जाएगा। उसके सारे डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो सकते हैं, या फिर गुड्स को परचेज करके, माल को परचेज करके मंगवाने का जो खर्चा है, फ्रेट या कैरेज वगैरह, वो सारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस को यहां पे दिखाएंगे। तो वो जो है, कौन सा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये सारा खर्चा हमें वो जो सवाल में दिया रहेगा उसमें पहचानना होगा। हर एक का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा या फैक्ट्री एक्सपेंस करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर उस खर्च को देख के पहचानना हमें कि ये भाई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च है तो इसे यहां दिखाओ ट्रेडिंग में, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्च है इसे दिखाओ ट्रेडिंग में, ठीक है। ये माल को मंगवाने में जो खर्चा आया, ढुलाई का खर्चा, भाड़ा का खर्चा, वो है उसे दिखाओ ट्रेडिंग में। तो जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है उन्हें ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड में। और उसके बाद में क्रेडिट में क्या रहता है, तो क्रेडिट में सबसे पहले बाय सेल्स, और जैसे परचेज से परचेज रिटर्न घटा देते हैं, उसी तरह अगर सेल्स रिटर्न हुआ है, सामने वाले कस्टमर ने हमें वापस किया है, तो उसे यहां पे घटा देंगे, लेस सेल्स रिटर्न, घटाकर जो आएगा यहां लिखेंगे। और अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तब सीधा सेल्स को ही बाहर दिखा देंगे, तब तो फिर कुछ घटाने के लिए नहीं है। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाएगा यहां, और फिर बैलेंस किया जाएगा। तो बैलेंस करने पर अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, अगर इस साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो फिर हमारा बैलेंस कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह का जोड़ ज्यादा है तो वही उसी टोटल को यहां लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, और यहां जो बैलेंस आएगा उसे लिखेंगे। वो क्या निकला हमारा, वो निकला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो उसी टोटल को इस तरह भी लिखेंगे, और उस कंडीशन में जो बैलेंस आएगा हमारा कहां आएगा, यहां आएगा, वो होगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है उन्हें समझते हैं। तो वो फॉर्मूला है जैसे कि सबसे पहले नेट सेल्स, तो नेट सेल्स कैसे आएगा, शुद्ध बिक्री है ना, तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा भाई, जब सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा दिया जाएगा, मतलब जितना बेचा हमने उससे जितना वापस आया माल, बिके हुए माल में जितना माल वापस आया उसे घटा देंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगा। उसी तरह नेट परचेज, तो नेट परचेज के लिए क्या है, जो परचेज किया हमने गुड्स
उसमें से जितना वापस किया परचेज रिटर्न उसे घटा देंगे तो हमारे पास नेट परचेज आएगा। तो क्या हुआ, नेट सेल्स बराबर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और नेट परचेज बराबर परचेज माइनस परचेज रिटर्न। उसके बाद में एक एडजस्टेड परचेज, तो एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई नेट परचेज कैसे निकला, तो नेट परचेज निकालने सॉरी एडजस्टेड परचेज कैसे निकला, तो एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पर ध्यान रखना है कि अगर एडजस्टेड परचेज है उस स्थिति में, सवाल में दिया हुआ उस स्थिति में ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है। जैसे कि मैंने अभी जो फॉर्मेट बताया उसमें बताया कि ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले वही दिखाते हैं। पर अगर एडजस्टेड परचेज दिया उस स्थिति में ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्टेड परचेज। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे, परचेज यानी नेट परचेज का बात हो रहा है ना, तो ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल हम बेच रहे हैं उस पर हमारा खर्चा कितना आया, हमारा लागत कितना आया वो निकाल रहे हैं। सपोज ये 15 में बेच रहे हैं और इस पर सारा कुल मिलाकर 10 रुपया खर्चा हुआ, तो ये 10 रुपया इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और इसे बेच रहे हैं 15 में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, सेल्स इसका 15 रुपया, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करें तो 10 रुपया है ना। तो वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट को घटाकर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जा सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। और इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट एक फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरह से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला समझा, ठीक है। और इसके अलावा भी एक दो फॉर्मूला हो सकते हैं जो हम लोग सवाल जो ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस्ड क्वेश्चन सारे बनाएंगे उस दरमियान जो वो सारा फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहले एक आध सवाल हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड बनाकर देखते हैं। अब ये सवाल है, इसका हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसके दिखाना है, तो इधर टू ओपनिंग स्टॉक है कितना है 60,000, उसे यहां पे दिखा दिया है ना। उसके बाद परचेज टू परचेजेस
परचेजेस को इनर कॉलम में तब दिखाएंगे अगर परचेज रिटर्न है तो, क्योंकि परचेज से परचेज रिटर्न घटाया जाएगा, और अगर नहीं है तो सीधा परचेज यहाँ पे दिखा देंगे। पर यहाँ पे परचेज रिटर्न है तो क्या करेंगे, परचेज को दिखा अंदर में 3,03,45,000, उसमें से परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, घटा देंगे। परचेज रिटर्न कितना है, 18,000, 18,000 घटा देंगे तो 3,00,000 में 18,000 घटाएंगे तो आएगा 2,82,000, 2,82,000। ये हो गया। उसके बाद में सेल्स है, सेल्स को जल्दी खाना है, बाय सेल्स, इसका भी वही कंडीशन है कि अगर सेल्स रिटर्न है तो फिर इधर वाला में दिखाएंगे सेल्स को, और सेल्स रिटर्न घटाकर जो बचेगा उसे बाहर दिखाएंगे, और नहीं है तब सेल्स को सीधा ही बाहर दिखा देंगे। पर सेल्स रिटर्न भी है 30,000, तो सेल्स 7,50,000, उसमें से सेल्स रिटर्न घटाएंगे कितना भाई, 30,000, तो हो गया 7,20,000। इसके बाद में कैरेज ऑन परचेज, जो गुड्स खरीदा उसे मंगाने का जो ढुलाई का खर्चा है, कैरेज है, तो ये दिखाना है, क्योंकि क्या करते हैं ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस को दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस को दिखाते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस को दिखाते हैं, और गुड्स को खरीद कर लाने में जो खर्चा सारा हुआ उस पे उससे रिलेटेड एक्सपेंस को दिखाते हैं। तो कैरेज ऑन परचेज गुड्स को खरीद कर लाने में होने वाला खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस को उससे दिखाएंगे, तो कैरेज ऑन परचेज कितना है, तो ये 12,000 इसे दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद में कैरेज ऑन सेल्स इसे नहीं दिखाएंगे, ये तो हम माल बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, उस पर होने वाला खर्चा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। फिर फैक्ट्री रेंट क्या बताया, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा वो दिखाएंगे, तो फैक्ट्री रेंट दिखाते हैं, टू फैक्ट्री रेंट कितना है, 18,000 इसे दिखाएंगे। उसके बाद में है क्या, ऑफिस रेंट नहीं दिखाएंगे, ये ऑफिस रिलेटेड खर्च है ना, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, जो कि हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब समझेंगे, तो इस ऑफिस रेंट को भी नहीं दिखाएंगे। ये कैरेज ऑन सेल्स भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला आइटम है, तो इसे अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सारा खर्च जाएगा, ठीक है, तो ऑफिस रेंट इसे भी नहीं दिखाएंगे, फैक्ट्री रेंट दिखा दिया, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ये दिखाएंगे। सपोज हो सकता है हमारा जो गुड्स है, जो हमारा माल है, वो शिप के जरिए है, समुद्र के रास्ते है, तो उसमें डॉक का एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेज ये सब लगा, तो वो खर्चा भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स को मंगाने में खर्च होने वाला खर्च है, तो डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेज कितना, 48,000। उसके बाद फ्रेट एंड एप्ट्रॉय ये भी क्या है, गुड्स को मंगाने में होने वाला खर्च, भाड़ा लगा, उसके बाद में अप्ट्रॉय का पैसा वो लगा, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी दिखाएंगे, फ्रेट एंड अप्ट्रॉय ये कितना है, ये 6,500 इसे दिखाया। और फिर है कोल गैस एंड वाटर, कोयला गैस पानी ये सब की जरूरत कहां पड़ रहा है, फैक्ट्री में पड़ रहा है, जहां बन रहा है सामान वहां पड़ रहा है, ऑफिस में इसकी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तो इसे भी दिखाएंगे यहाँ पे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोल गैस एंड वाटर या फ्यूल लिखा रहता तो फ्यूल भी यहाँ यही पे खर्च होता, उसे यही पे दिखाते, फैक्ट्री लाइटिंग लिखा रहता वो भी यही से जाता, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये 10,000 हो गया, दिखा दिया अब सारा आइटम हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो यहां पे दिखाते। अब कर लेंगे बैलेंस, जिधर टोटल ज्यादा होगा, ज्यादा तो इधर ही है, 7,20,000 यहां पे लिख दिया उसी 7,20,000 को, 7,20,000 को। अब करेंगे बैलेंस 2,83,500 बैलेंस निकला इस 7,20,000 में से, यहां से यहां तक का घटा दिया
तो हमारा जो बैलेंस निकल गया 283,500, ये क्या निकला, ये निकला ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बना ट्रेडिंग अकाउंट। अगला जो वीडियो होगा उसमें भी हम लोग अलग अलग सवाल पे अलग अलग आइटम्स होंगे, उसके एक दो जो वीडियो होगा हमारा अगला वो ट्रेडिंग अकाउंट पे ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।